हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 18th of September 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन कैबिनेट ऑन 14th September 2022 क्लियर द प्रपोजल टू नोटिफाई सेवरल ट्राइबल कम्युनिटीज अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी इन हाउ मेनी स्टेट्स। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स ए विच इज 5 स्टेट। ओके, तो यहाँ पे 5 अलग अलग स्टेट्स के जो जनजातियाँ या फिर जो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब में यहाँ पे लाइक इस कैटेगरी में यहाँ पे डाल दिया। ओके, ये जो अभी जो यहाँ पे जो ये प्रपोजल को यहाँ पे जो एक्सेप्ट किया गया, ये पिछले कई सारे मतलब कई सालों से यहाँ पे अटका हुआ था या फिर कह सकते हो कि कई साल से यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन अभी इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। ओके, एक्सेप्ट दैट। ये 5 कौन कौन सी यहाँ पे स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पे गोंड नाम की जो जनजाति है उसको यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत यहाँ पे कर दिया गया। ओके, इस इन सब से रिलेटेड एक चीज़ आपको बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि यहाँ पे यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है, हमारे अर्जुन मुंडा साहब। ओके, तो इनके बारे में भी आपको जानना है। और ये जो यहाँ पे किया गया वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब में यहाँ पे आ चुके हैं तो इसके तहत जितनी भी इनको यहाँ पे प्रिविलेज या फिर जितने भी यहाँ पे रिजर्वेशन है वो इनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है इन सारी कम्युनिटीज़ को यहाँ पे अपलिफ्टमेंट करने के लिए। ओके, या फिर डेवलप करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ मलेशिया तुन डॉक्टर एस सामा वेल्यू व्हेन डिड पास अवे। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स डी विच इज 15th of September 2022। ओके, तो 86 ईयर्स की इनकी उम्र थी, उसके बाद इनका निधन हो गया। ये फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं कहाँ पे, मलेशिया में। और अगर हम बात करें तो इन्होंने काफ़ी ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है किसको, मलेशिया को। काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनवाए हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मेशन भी इन्होंने किया है। किसके लिए, मलेशिया के लिए। इवन ये इंडिया में भी कई बार यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह के लिए आ चुके हैं, मीटिंग फॉर डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे आए हैं। साथ ही में अगर इनकी हम एक कुछ यहाँ पे एक चीज़ और जैसे जो सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण है उसकी अगर हम बात करें तो प्रवासी भारतीय सम्मान। ओके, ये मलेशिया से ऐसे पहले रेसिपेंट हैं जिनको ये प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है। ये एक अवार्ड है जो इंडिया प्रोवाइड करता है अलग अलग लोगों को, एंड काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन रहता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रह चुके हैं मलेशिया के लिए भी और अपने इंडिया के लिए भी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैज सेलेक्टेड होम एज अ न्यू प्रेसिडेंट फॉर 2022-23। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स बी विच इज विनोद अग्रवाल। ओके, तो विनोद अग्रवाल को यहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। वाई, बिकॉज जो यहाँ पे जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं यहाँ पे SIAM के, वो यहाँ पे अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं उन वो यहाँ पे वोट देते हैं और यहाँ पे किसी भी एक कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। ओके, तो इससे पहले यहाँ पे ये वाइस प्रेसिडेंट थे तो इनको और मतलब ईजी हो गया यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने के लिए। ओके, एक्सेप्ट दैट, जैसा मैंने बताया यहाँ पे इलेक्शन यहाँ पे कंपलसरी रहता है। ओके, एक्सेप्ट दैट जब यहाँ पे ये प्रेसिडेंट बने तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट था वो खाली हो गया, तो उस खाली पोस्ट में यहाँ पे शैलेंद्र चंद्र को यहाँ पे लाइक बैठाया गया अभी के लिए। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें तो विनोद अग्रवाल जो है वो यहाँ पे एक साल के लिए बने हैं प्रेसिडेंट, किसके, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। ओके, जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है वो इसी के अंडर आता है। ओके, जितनी भी यहाँ पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्री है वो सब सैम के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज लॉन्च इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स सी विच इज आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वाई, बिकॉज लिथियम आयन बैटरीज जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। और अभी तक अगर हम बात करें तो हम लोग चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम और हम लोग हांगकॉन्ग से इसको अपने कंट्री में इंपोर्ट करवाते थे। ओके, लेकिन अब यहाँ पे जो इंडिया है वो खुद यहाँ पे अपना लिथियम आयन सेल जो है वो बना रहा है। कहाँ पे, तिरुपति एक नाम की जगह है आंध्र प्रदेश में, वहीं पे हम लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। ओके, इंडिया में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, अराउंड 60% से भी यहाँ पे ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट रहती है और ये अलग अलग जगहों पे काम आता है। ओके, तो यहाँ पे जो ये प्लांट है इस मतलब जो ये पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है यहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि भाई हम लोग 20,000 सेल पर डे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। वो डिपेंड करेगा कि अलग अलग कैपेसिटी का बैटरी होता है तो उसको बनाने में टाइम लगता है। ओके, यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई किस किस जगह पे यहाँ पे काम आता है, तो यहाँ पे हम लोग पावर बैंक में सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम आता है। ओके, एक्सेप्ट दैट व्हीकल्स में भी कहीं कहीं पे काम आता है एंड जितने भी हमारे स्टोरेज यूनिट होते हैं पावर स्टोरेज यूनिट उसमें भी काम आता है। ओके, मोबाइल फ़ोन में भी काम आ जाता है एंड जितने भी अलग छोटे मोटे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं उसमें भी ये काम आता है। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो इंडिया लाइक जो हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब हैं उन्होंने ये भी कहा था एक अपने भाषण में कि भाई इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बनने वाला है। किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट में। ओके, तो ये भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके,
So next question is, which Indian become the world's second richest person on 16 September 2022? So right answer of fifth is, it's A, which is Gautam Adani, okay? तो गौतम अडानी जी के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पे ये थर्ड नंबर पे आए थे, लेकिन देखो भाई हमें जब तक लोगों को पता चला होगा कि भाई थर्ड नंबर पे आए, ये सेकंड नंबर पे भी आ गए, ओके? तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि लाइक इंडिया से ऐसा पहली बार कोई बंदा है जो लाइक सेकंड नंबर पे आया वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में से, तो ये भी काफ़ी एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए एंड इनके लिए तो भाई है ही। तो अभी हमारा लाइक सबकी इच्छा हो डेफिनेटली होगी कि भाई क्यों ना इनको नंबर वन पे लेके आया जा सके और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ओके? लाइक इंडिया का भी बंदा यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में छाया हुआ रहेगा, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें इनकी, तो इनके पास अभी वेल्थ कितनी है, तो 155 बिलियन डॉलर इनके पास अभी वेल्थ है। लेकिन अगर हम बात करें नंबर वन की एलन मस्क की, तो यहाँ पे उनके पास 273 बिलियन डॉलर है, ओके? तो अभी भी लाइक अगर हम बात करें तो गौतम अडानी जी को यहाँ पे 120 बिलियन डॉलर और चाहिए नंबर वन पे आने के लिए, ओके? इन्होंने रिप्लेस किसको किया था, अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस को, ओके? तो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक रेगुलेशंस यहाँ पे आती रहती है, ओके? या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अपडेट होती रहती हैं, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अनाउंस्ड अ न्यू $600 मिलियन आर्म्ड पैकेज फॉर विच कंट्री? राइट आंसर ऑफ सिक्स इज, इट्स बी, विच इज यूक्रेन, ओके? तो यहाँ पे यूएसए ने बोला है कि भाई अभी भी हम यहाँ पे यूक्रेन को फुल सपोर्ट करेंगे एंड साथ ही में यहाँ पे लाइक मनी पावर यूज़ करेंगे या फिर हार्ड पावर। हार्ड पावर में यहाँ पे गन्स वगैरह आ जाती है, आर्टिलरी आ जाती है, मिलिट्री असिस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियली, ओके? तो ये भी काफ़ी है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये पैसा आया है तो लाइक खास सूत्रों से ये पता चला कि यहाँ पे रॉकेट सिस्टम लिया जाएगा, नाइट विजन लिया जाएगा, माइंस यहाँ पे ली जाएगी, आर्टिलरी गन्स एंड बुलेट्स यहाँ पे लिए जाएंगे, ओके? तो ठीक है भाई, उनका अपना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, जो भी करना है करें वो लोग। यहाँ पे इवन जो हमारे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, उन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग यूक्रेन के लोगों को यहाँ पे मिलिट्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, साथ ही में मिलिट्री ट्रेनिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, सो दैट कि वो अपनी कंट्री के लिए रशिया से लड़ सकें, ओके? साथ ही में यहाँ पे एक रिपोर्ट ये भी आई है कि लाइक यहाँ पे $15 बिलियन भी यहाँ पे दिया जाएगा किसको, यूक्रेन को, सो दैट कि वो जो उनके पूरे जो सिक्योरिटी वगैरह के लिए जितने भी चार्जेस हैं वो यहाँ पे कर किया जा सके, या फिर कह सकते हो कि एक तरीके से सिक्योरिटी असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, ओके? लेकिन ठीक है, अब रशिया अपना काम कर रहा है, करने दो उसको, फुल सपोर्ट फॉर रशिया सीधा, ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हम लोग रशिया को सपोर्ट करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट बिकम द थर्ड स्टेट टू हैव फूड सिक्योरिटी एटलस फॉर इट्स रूरल एरिया? सो राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज, इट्स डी, विच इज झारखंड, ओके? तो झारखंड ने यहाँ पे फूड सिक्योरिटी एटलस यहाँ पे अपना लिया। हमने यहाँ पे बात किया थर्ड स्टेट, यानी कि इससे पहला भी कोई बन चुका है और दूसरा भी, तो पहला या फिर दूसरा के अगर हटा दें तो यहाँ पे बिहार और ओडिशा जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी 2018 में इन्होंने फूड सिक्योरिटी एटलस यहाँ पे बनवा लिया था, ओके? या फिर हाँ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एटलस कौन बनाता है यूजुअली, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, जो कि दिल्ली में है, ये यहाँ पे बनाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाता है। इसमें हर तरीके की पॉलिसीज दी रहती है यहाँ पे, किस तरीके से आप लोगों को जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनको आप कैसे हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो इन द टाइम ऑफ क्रॉप फेलियर, फेमाइन, लाइक ड्रॉट, जितनी भी चीज़ें होती हैं नेचुरल प्रॉब्लम्स, उन सब में आप कैसे हेल्प कर सकते हो, उस सारी चीज़ें यहाँ पे दी रहती है, ओके? साथ ही में आप कैसे फूड सिक्योर इनसिक्योरिटी को यहाँ पे ख़त्म कर सकते हो वो भी यहाँ पे दिया रहता है। लाइक एक एग्जांपल है कि आप यहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे कोटाज वगैरह लॉन्च कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ग्रीन कार्ड यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो, जिनके तहत उनको काफ़ी कम प्राइसेस में फूड ग्रेन्स मिल जाए, ओके? और ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे किया जाता है। झारखंड में अगर हम बात करें 24 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से यहाँ पे 14 हमेशा अफेक्टेड रहता है इन सारी चीज़ों से, ओके? तो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और एटलस में यहाँ पे फुल तरीके का रोड मैप दिया रहता है कि आप कैसे फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे टैकल कर सकते हो, ओके? काफ़ी बेहतरीन रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आईटी सर्विसेज कंपनी बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022 अकॉर्डिंग टू कंटार्स ब्रांड्स रिपोर्ट? राइट आंसर ऑफ एट इज, इट्स डी, विच इज TCS, ओके? TCS एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन आईटी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे अभी की, लाइक 2022 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो COVID-19 में इसकी जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। रीज़न इज दैट कि यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मतलब बहुत ही जल्दी यहाँ पे डिजिटलाइज हो गई, और पैंडेमिक ने इसमें काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रोल प्ले किया था, ओके? सबसे यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दूँ तो अभी सबको पता है कि भाई 2 साल के अंदर बहुत सारे यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम्स लिए गए हैं फॉर लाइक जॉब्स के लिए हो गया, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो गया, तो यहाँ पे दिए गए। और ये जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह होते थे वो एक आयोन नाम के सेंटर पे होता था, ओके? जो कि अगेन TCS का है। तो ये भी इसका एक आईटी सर्विसेज है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सेंटर्स बनाए गए हैं, और हर शहर में एटलीस्ट 10-12 मतलब ऑलमोस्ट 15 तो रहते ही थे, ओके? जितना मुझे पता है, ओके? तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। इवन जो सेंटर्स होते हैं वो भी काफ़ी बेहतर अच्छे होते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, ओके? कुछ कुछ मतलब कीबोर्ड्स खराब रहेंगे, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, ओके?
तो यहाँ पे लाइक TCS बन गया इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। इसके अलावा इसने इसको रिप्लेस किसको किया है, HDFC बैंक। ओके, तो HDFC बैंक को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया 2014 से लेकर के अभी तक। HDFC बैंक जो था वो इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड था, लेकिन अभी TCS बन गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द वर्ल्ड ओजोन डे और द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर। राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स सी, विच इज 16th of September। ओके, तो 16th of September को हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। किस चीज़ के लिए? सो दैट कि हम लोग लोगों के अंदर ये अवेयरनेस फैला सके कि भाई ओजोन लेयर जो है वो अर्थ के लिए, अर्थ की इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है। ओके, ओजोन लेयर अगर ये खराब होता है तो जो पृथ्वी पर जो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको काफ़ी सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो सबसे पहले तो भाई इनके लाइक आइज़ यहाँ पे खराब मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा सबसे मतलब सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो। ओके, तो ये सब यहाँ पे आने लगती है। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि भाई आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है जिसके कारण जो जो अपना ओजोन लेयर है वो ख़राब ना हो। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड अगर इसकी बात करें तो इस डे को हम लोग 1995 से हम लोग इसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग इसको कर रहे हैं। एंड जब भी यहाँ पे ओजोन लेयर ख़राब होता है तो यूवी रेज जो है वो एंटर कर जाती है, एंड ये ग्लोबल वार्मिंग भी इसका एक कारण है, क्लाइमेट चेंज भी इसका एक कारण है, और इन्वायरमेंटल हज़ार्ड भी यहाँ पे आने लगता है, अलग अलग बीमारियाँ आने लगती है जो कि सही नहीं होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, तो पॉल्यूशन नहीं करना, सीधी बात। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गवर्नमेंट हाइक द मिनिमम वेज फॉर अनस्किल्ड वर्कर बाय 67% टू द 500 ऑन 14 September 2022। राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स ए, विच इज सिक्किम। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर की, तो सिक्किम में इनको पर डे के हिसाब से 300 rupees मिलता था, लेकिन अभी इसको यहाँ पर बढ़ा करके 500 rupees कर दिया गया पर डे के हिसाब से। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, लाइक जो उसके अनस्किल्ड वर्कर है उनको पर डे अगर 500 मिल जाता तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। ओके, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो एक होता है हमारा सेमी स्किल्ड वर्कर। ओके, तो सेमी स्किल्ड वर्कर को यहाँ पे 520 मिलता है, लेकिन अगर हम बात करें, देखो सब में यहाँ पे चार अलग अलग कैटेगरीज। ओके, एक है हमारा अनस्किल्ड, एक है हमारा सेमी स्किल्ड, एक है हमारा स्किल्ड और एक है हमारा हाई स्किल्ड। ओके, सब में यहाँ पे 200 rupees की यहाँ पे बढ़ोतरी कर दी गई। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें अनस्किल्ड की, तो यहाँ पे इनको 300 rupees मिलता था, सेमी स्किल्ड को यहाँ पे 320 rupees मिलता था, जो स्किल्ड वर्कर हैं इनको यहाँ पे 335 मिलता था। ओके, और जो हाई स्किल्ड है उनको 365। इन सब में अगर आप 200 ऐड कर दोगे तो सब में लाइक यहाँ पे 500 हो जाएगा, यहाँ पे 520, 535 और 565 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा काम किया गया कि लाइक भाई 200 rupees बढ़ाया गया, अभी जो जिस हिसाब से भाई जो महंगाई चल रही है तो उस हिसाब से यहाँ पे सही भी किया गया, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और जैसे जैसे लाइक क्योंकि हम लोग सिक्किम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं, हाई एल्टीट्यूड होता है, तो अगर आप 800 feet से अगर ऊपर की जगह पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपके वेजेस जो है वो और बढ़ जाएंगे, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप 12,000 feet से ऊपर काम कर रहे हो तो और बढ़ जाएंगे, और अगर आप 16,000 अगर फीट से अगर आप ऊपर काम कर रहे हो तो आपका जो वेज है वो डबल हो जाएगा, यानी कि अगर आपको 500 rupees मिल रहा है एक दिन का तो आपको पर डे यहाँ पे 1000 मिलेगा अगर आप 16,000 feet से ऊपर अगर आप काम करिएगा तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट अनाउंस 77% रिजर्वेशन फॉर द ST SC एंड अदर ऑन 14 September 2022। राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स बी, विच इज झारखंड। ओके, तो झारखंड ने बोला है कि भाई जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स होते हैं, फिर स्टेट जॉब्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब भी ठीक ही रहेगा। ओके, तो उसमें यहाँ पे 77% रिजर्वेशन मिलेगा किसको, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, अदर बैकवर्ड कास्ट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यहाँ पे 77% का रिजर्वेशन पूरा यहाँ पे दे दिया जाएगा। ओके, जितना बाकी बचा वो जनरल कैटेगरी को यहाँ पे मिलेगा। ओके, अगर हम यहाँ पे OBC की बात करें तो यहाँ पे 27% कर दिया गया घटा, लाइक OBC, ओके, इसका यहाँ पे 27% कर दिया गया, पहले इसका था 14%। तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे जब भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है बवाल भी होता है, दंगे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जिनको सही में रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है उनका यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो जाता है। और जब भी यहाँ पे हर सेक्टर से अगर लोग आते हैं तो काफ़ी वैरायटी रहती है, काफ़ी डाइवर्सिटी रहती है। ओके, तो थोड़ा ठीक है भाई, स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन तो कहीं ना कहीं सही डिसीजन होगा। ओके, और जो ट्राइबल पीपल होते हैं या फिर जो ST SC होते हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये सारी चीज़ें करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा इंडिया जो है, हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेलवे रेवेन्यू अप -% टू 95,486.58 crores। राइट आंसर ऑफ
ट्वेल्थ इज इट्स बी विच इज 38%। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई अगस्त महीने में, जो कि अभी पिछले महीने में, मतलब कि यहाँ पे 38% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई रेलवे के रेवेन्यू में। ओके, 38% यहाँ पे कितना होता है, लाइक अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो इसका 38% कितना हुआ, 26,271 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे इसका रेवेन्यू होता है। ओके, जो कि काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है, यानी कि जो रेलवे है वो यहाँ पे लाइक अच्छे खासे कंडीशन में, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ओके, यानी कि वो फायदे में है, मुनाफे में। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पैसेंजर जो है, जो पैसेंजर की जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। जब यहाँ पे ख़त्म हो गया तो उसके कारण यहाँ पे जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ है। ओके, एंड बोथ रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजर्व में हुआ है, जो लोग अनरिजर्व जो पैसेंजर होते हैं उसमें भी यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बढ़ा है। ओके, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, रेलवे यहाँ पे बस मुनाफे में जाना चाहिए। ओके, और अगर रेलवे प्राइवेटाइज हो जाता है, जो जो यहाँ पे जो गरीब जो लोग होते हैं, जिन जिनके पास लाइक टिकट खरीदने के लिए भी लाइक उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ओके, लेकिन अगर वही, अगर ये प्राइवेटाइज नहीं रहेगा, गवर्नमेंट के अंदर रहेगा, तो ठीक ठाक रहता है, अफोर्डेबल रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीन फिन हब, द फर्स्ट एवर ग्लोबल मैरीन टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स सी, विच इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये लोग सस्टेनेबल मरीन टूरिज्म यहाँ पे करवाने वाले हैं लोगों को, और ये एक तरीके से काफ़ी मेजर यहाँ पे बूस्ट होने वाला है किसके लिए, मरीन टूरिज्म के लिए। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डीप सी, हटा देते हैं इसको, डीप सी एक्सप्लोरेशन करने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइक स्कूबा डाइविंग जो होता है वो भी यहाँ पे किया जा सकता है, काफ़ी यहाँ पे बढ़िया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आता, काफ़ी बेहतरीन रहता है। यहाँ पे आप लोग को लाइक जो मरीन लाइफ है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैसे उसको हम लोग प्रिजर्व रख सकते हैं वो यहाँ पे पता चलता है, यानी कि आप कह सकते हो कि भाई पूरा यहाँ पे मरीन लाइफ की जितनी भी नॉलेज होती है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें यहाँ पे जितने भी अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं वो भी यहाँ पे उठाए जाते हैं, उसके ऊपर भी काम किया जाता है, साथ ही में जो मरीन लाइफ है उसके उसका हम लोग पूरा यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि भाई किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, कोई उनको कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। ओके, और ये सब करने के लिए लाइक यहाँ पे काफ़ी मतलब कि सिंपल रहेगा और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, यानी कि काफ़ी यहाँ पे कम कॉस्ट रहेगा और उस कम कॉस्ट में आप काफ़ी कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, तो UNEP ने यहाँ पे UK के साथ मिलकर किया, यानी कि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने मिलकर के पूरा कुछ सब कुछ यहाँ पे किया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉजर फेडरर द वेटरन टेनिस प्लेयर रिप्रेजेंट विच कंट्रीज। राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स बी विच इज स्विट्जरलैंड। ओके, तो ये स्विट्जरलैंड से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। अगर हम रॉजर फेडरर की बात करें तो इन्होंने अभी रिसेंटली अपना रिटायरमेंट यहाँ पे अनाउंस कर दिया था। इनकी एज जो है वो 41 ईयर्स की एज है, और आउट ऑफ 41 यहाँ पे इन्होंने 24 ईयर्स तक सिर्फ इन्होंने टेनिस खेला। ओके, और इन्होंने कहा कि भाई मोर देन 1500 मैचेज हमने खेले और इसमें बहुत सारे इन्होंने लाइक टाइटल वगैरह जीते हैं, इसमें से 20 तो सिर्फ ग्रैंड स्लैम के टाइटल्स हैं। ओके, इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारे मैचेज यहाँ पे लाइक इन्होंने बोला कि लाइक हार भी हुई है जीत भी हुई है, बट इससे प्रॉब्लम नहीं है, मैंने टेनिस को लाइक इन्होंने टेनिस में इतना अच्छा खासा यहाँ पे टाइम दिया, लाइक 24 ईयर्स इन्होंने बोला कि भाई हमने मैंने दिया है उसकी मुझे खुशी है। एंड रीज़न इज़ दैट कि वाई ही इज़ लीविंग नाउ, तो इसका मेन यहाँ पे सिंपल रीज़न है कि 24 साल के लाइक अंतरकाल में यहाँ पे इनको काफ़ी सारे यहाँ पे सीरियस इंजरीज भी यहाँ पे हुई थी, लाइक शरीर में कहीं कहीं पे चोट लगी है और 2 बार इनकी यहाँ पे पैर में सर्जरी हुई है, उसके कारण यहाँ पे इनको थोड़ा बॉडली यहाँ पे प्रॉब्लम है। अदरवाइज ही इज़ वेरी फिट, ही इज़ लाइक अभी भी अच्छे तरीके से किसी को भी यहाँ पे हरा सकते हैं और ये टॉप के प्लेयर रह चुके हैं। ओके, और अभी भी ये टॉप के प्लेयर हैं भी। ओके, एक आध मैच के बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ अनाउंसड इंडियाज फर्स्ट ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स ए विच इज तमिलनाडु। ओके, तो अगेन तमिलनाडु के हमारे CM साहब MK Stalin ने इस पर यहाँ पे लॉन्च किया है ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे मोर देन 1500 डिफरेंट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ पे किया जाएगा, और जब यहाँ पे 1500 स्कूल्स ही हैं तो यहाँ पे लाइक 1.14 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे असिस्टेंट या फिर जो ब्रेकफास्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, इसके तहत यहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है, जितने भी स्टूडेंट जो माल न्यूट्रिशन हो गए हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। और यहाँ पे बोला गया कि भाई जितना भी हमारा ट्रेडिशनल फूड है या फिर ट्रेडिशनल फूड और साथ ही में हेल्दी फूड जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ताकि जो उनकी बॉडी है वो अच्छे तरीके से काम कर सके, अच्छे तरीके से सोच सके, हर चीज़ जो भी मतलब एक स्टूडेंट लाइफ में चाहिए होता है, जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो इनको प्रॉपरली मिल सके। ओके, और अगर हम इनकी बात करें तो जो इनकी पॉवर्टी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे पॉवर्टी से रिमूव करना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर हम मेन यहाँ पे अगर मतलब इसका अगर एक मेन कारण बताएं तो यहाँ पे ऐसे भी यहाँ पे लोग थे या फिर ऐसे भी स्टूडेंट थे जो सुबह उनको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था, खाली पेट ही वहाँ पे स्कूल में आना पड़ता था, तो उसी को देख करके यहाँ पे MK Stalin सर ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया है। ओके, ये मिड डे मील से काफ़ी अलग है, वो दोपहर में होता है लेकिन ये सुबह सुबह ही करवा दिया जाएगा, उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई शुरू होगा। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लाइक
बहुत ही बेहतरीन। ओके, तो PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें वहाँ पे मिल जाएगा, एंड अगर वो नहीं मिलेगा तो कुछ दिनों में यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।